भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मैदान में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान आरोन फिंच ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 20 ओवर में केएल राहुल के अर्धशतक और जडेजा की तेज 44 रन की पारी के दम पर 7 विकेट खोकर 161 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रन का टारगेट मिला था, लेकिन ये टीम 20 ओवर से 7 विकेट पर 150 रन की ही बना पाई और उसे 11 रन से हार मिली। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैच की T20 सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।